नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपके पास भी एयरटेल की सिम है, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस आपको जो स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी स्पीड को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, उसी टॉपिक पे हमें आज आपको जो लेटेस्ट APN आज आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या कर लेना है, वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको एक काम कर लेना है, आपकी जो सिम है आप उसको स्लॉट वन में डाल लेंगे, फिर उसके बाद जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ आपको वो सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेनी है। आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और आप अपने उसमें नोटबुक में लिख लीजिए APN सेटिंग, या फिर आप वीडियो को स्टॉप कर करके अपने मोबाइल में ये सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद फिर हमको क्या करना है, जो एयरटेल की सिम है मैं उस पर ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेस पॉइंट नेम में चले जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम में जाने के बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, आप इसको यहाँ से एक बार रिसेट कर लेंगे। रिसेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो प्लस का आइकन दिख रहा है न्यू APN, आप इस पे चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको जो ऐसा पेज खुल जाएगा आपके सामने, फिर आपको नेम पे जाना है। नेम पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है एयरटेल स्पेस फास्ट नेट, ओके कर देंगे। फिर आपको जाना है APN पे। APN पे जाने के बाद आपको लिखना है एयरटेल GPRS.com। फिर आपको क्या करना है, यूजर नेम में चले जाएंगे, प्रॉक्सी और पोर्ट को नहीं छेड़ेंगे, आपको डायरेक्ट यूजर नेम में चले जाना है। यूजर नेम में जाने के बाद आपको क्या करना है, 4G प्लस स्पीड, ओके कर देंगे इसको। फिर आपको सर्वर में चले जाना है, पासवर्ड को नहीं छेड़ेंगे आप, फिर सर्वर में जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे www.google.com, ओके कर देंगे। फिर MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC और MNCM इसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे। ये सबका एरिया कोड अलग अलग होता है, आपका जो एरिया कोड है वो अलग होगा, आप इसको मेरी तरह बिल्कुल भी सेम ना करें और आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जो आपके मोबाइल में जो एरिया कोड है आप उसको वैसे रहने दीजिए। फिर आपको चले जाना है ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पे जाने के बाद PAP और CHP भी ओके करेंगे, और फिर APN टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, ओके कर देंगे, ठीक है। फिर आपको APN प्रोटोकॉल में जाना है और यहाँ पे करना है IPv4 और IPv6, और फिर आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में जाना है और यहाँ पे IPv4 और IPv6 कर लेंगे। फिर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपको क्या करना है, इसमें चले जाएंगे आप बैरियर में, फिर यहाँ पे इसको LT और GPRS ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको 3 डॉट पे इसको सेव कर लेना है। आपको इसके सेटिंग को कैसे यूज करेंगे, आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल को एक बार रिब्यूट या रिसेट करके या फिर स्विच ऑफ करके आप इसको दोबारा जो आपने APN क्रिएट की है आप इसमें सेटिंग में जाके इसको APN पे क्लिक करके आपको उसका अपने इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।